अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हमने अपनी पैनासोनिक 8045 को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर से प्रिंटिंग की कमांड देनी है और प्रिंटर की बजाय हमारी पैनासोनिक मशीन से आएगा। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है नेटवर्किंग केबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नेटवर्किंग केबल लगाएंगे इसके साथ यहाँ पर, और इसका जो नेटवर्किंग केबल का दूसरा हिस्सा है वो हमने लगाना है मोडेम के अंदर। मोडेम के अंदर लगा इसके बाद हमने यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और उसके बाद हमने जाना है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद डिटेल्स। यहाँ से ये हमने आईपी एड्रेस कॉपी करना है, ये वाला आईपी एड्रेस और ये सबनेट मास्क, ये दोनों अपने कॉपी कर लेने हैं, लिख लेने किसी चीज़ पर, और उसके बाद हमने मशीन की तरफ चलना है। उसके बाद हमें मशीन की तरफ आके फंक्शन वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद जनरल सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद यहाँ से हमने ये 9 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, की ऑपरेटर मोड। यहाँ पे आके आपने 8 दफ़ा 0 प्रेस करना है, 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद आपने कॉपी वाले बटन पे प्रेस कर देना। उसके बाद आपके पास इस तरह की मेन्यू ओपन होगी, इसको डाउन करेंगे, डाउन करते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 23 नंबर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप 22 नंबर वाले ऑप्शन पे देखने के लिए, यहाँ पे आपके पास यस है तो यहाँ पे आपने नो कर देना है और ओके कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर वाले ऑप्शन पे आपने आकर जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया था अभी कि आपने लिख लेना है, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। 192 हर मशीन का, हर कंप्यूटर का अपना एड्रेस होता है, इसलिए आपने यहाँ पे वही एड्रेस बुक करना है। अब यहाँ पे 3 डिजिट लिखने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम पहले जब 0 लिखेंगे उसके बाद हमारे 2 डिजिट लिखे जाएंगे। यहाँ पे आपने लास्ट पर 239 लिखना है, वहाँ पे लास्ट पे 10 के बाद मेरे पास 4 था, लेकिन यहाँ पे आपने हाल में 239 लिखना है, और इसके बाद आपने ओके कर देना है, और उसके बाद आपने आ जाना है TPIP सबनेट मास्क में, और यहाँ पे आपने 3 दफ़ा 255 255 255, ये सबनेट मास्क आपके वहाँ पे जो आप मैंने अभी नेटवर्क अडाप्टर सेटिंग में दिखाया था वहाँ पे इसको ओके कर देना है, और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मशीन से जो पैनासोनिक की मशीन है उससे अपने रीसेट का बटन दबा के फंक्शन का बटन दबाना है पहले, फिर रीसेट का दबाना है और ऑफ ऑन कर देनी है अपनी मशीन को। जब वो दोबारा ऑन हो जाएगी उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सिस्टम की तरफ। यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना है जो पैनासोनिक मशीन का है। उसके बाद ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने टॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद जो आपकी विंडो होगी उसके मुताबिक आपने यहाँ से वही ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। मेरे पास विंडो 7 है तो मैं ये वाले ड्राइवर डाउनलोड करूँगा इसके। जब ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी देखेंगे। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, रन एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आप अगर चेंज करना चाहते हैं लोकेशन तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास सी में डिस्क थोड़ी है तो इसलिए मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हम फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, यहाँ पे वही फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट करना है, यहाँ से यहाँ पे नेटवर्क प्रिंटर ही रहने देना है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ आ गई है तो इसका मतलब है कि आपकी पैनासोनिक मशीन जो है वो इस कंप्यूटर या PC के साथ कनेक्ट हो गई है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर रहेंगे, और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद हम प्रिंटिंग टेस्ट करेंगे। मैं
उसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है और अब हम एक प्रिंटिंग टेस्ट कर लेते हैं। जब आप प्रिंट करने लगेंगे तो यहाँ पे आप अपना ये वाला पैनासोनिक डीपी 8045 ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने मज़ीद सेटिंग कर लेनी है। मैं अब ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लगा हूँ। यहाँ से प्रिंटिंग की कमांड चली गई है। ये है मेरे पास पैनासोनिक, इसका मैं देख लगता हूँ वर्ड्स प्रिंटिंग। अब हम मशीन की तरफ चलते हैं और उसके बाद ये देखें पैनासोनिक मशीन से ये प्रिंट आया है।